हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हम चैप्टर नंबर चल रहा था हमारा 6 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम जो यातायात है उसका मतलब समझ रहे थे। भाई यातायात क्या होता है, परिवहन होता क्या है, तो इसके बारे में हमने इस चैप्टर में क्या करना है, रीड करना है। तो हमने इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है उनको क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम चैप्टर रीड करने जा रहे हैं। तो हम आज क्या करेंगे, चैप्टर रीड करेंगे। तो जैसा कि आप सबको दिख रहा है कि मेरे पास ये बुक है और मैं इस बुक को क्या कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ। तो सभी इसे साइलेंटली क्या करेंगे, सुनेंगे। ऑल ऑफ अस हैव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ऑल ऑफ अस, हम सभी के हैव फ्रेंड्स, मित्र हैं, एंड रिलेटिव्स, और सगे संबंधी यानी रिश्तेदार हैं। हम सभी के मित्र और क्या हैं, रिश्तेदार हैं। सम ऑफ देम लिव इन अवर विलेज और सिटी। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ लिव इन अवर विलेज, हमारे गांव में रहते हैं, और सिटी और शहर में रहते हैं। उनमें से कुछ हमारे गांव में और शहर में रहते हैं, यानी जो हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनमें से कुछ तो हमारे गांव में रहते हैं और कुछ शहर में रहते हैं। बट सम लिव एट फार ऑफ प्लेसेस। बट सम लिव एट, लेकिन कुछ रहते हैं फार ऑफ प्लेसेस, बहुत दूर जगहों पर। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत दूर जगहों पर रहते हैं। वी गो टू मीट देम, हम उनसे मिलने जाते हैं। दे आल्सो कम टू मीट अस, वे हमसे मिलने आते हैं। तो जो दूर रहते हैं उनसे हम मिलने जाते हैं और वो हमसे मिलने आते हैं। टू मीट देम वी ट्रेवल अप टू देम। टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए वी ट्रेवल अप टू देम, हम यात्रा करते हैं। और उनसे मिलने के लिए हम क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। We need a transport for traveling, और हमें यात्रा करने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है यानी जो यातायात होता है उसकी आवश्यकता होती है। और हमें यात्रा करने के लिए जो परिवहन होता है उसकी आवश्यकता होती है। Today many means of transport are available. Today as many means of transport, बहुत सारे यातायात के साधन आर अवेलेबल, उपलब्ध हैं। आज बहुत सारे परिवहन के जो साधन हैं या जो बहुत सारा परिवहन है वो क्या है, उपलब्ध है। वी यूज देम फॉर वेरियस पर्पस, हम उनका उपयोग बहुत सारे यानी अनेक बहुत सारे जो उद्देश्य हैं उनके लिए करते हैं। वी यूज फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू विजिट अवर रिलेटिव एंड फ्रेंड्स विद इन अवर सिटी। वी यूज, हम उपयोग करते हैं फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नीचे दिए गए यातायात यातायात जो परिवहन है उसका। टू विजिट अवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स विद इन अवर सिटी, हमारे शहर में रहने वाले अपने जो मित्र हैं और जो सगे संबंधी हैं उनसे मिलने के लिए। तो देखो इसमें हमें बाइसिकल, बस, टांगा, ऑटो रिक्शा, कार और स्कूटर दिया गया है। इन सब का यूज हम अपने जो सगे संबंधी हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे मिलने के लिए करते हैं। उनसे मिलने के लिए हम इनका उपयोग करके जाते हैं। Some of our friends and relatives also live in other cities or countries. Some of our friends, कुछ हमारे मित्र and relatives और रिश्तेदार, कुछ हमारे मित्र और रिश्तेदार also live in other cities or countries, दूसरे शहरों में और देशों में रहते हैं। भाई कुछ मित्र और हमारे जो सगे संबंधी वैसे हैं वो किसी दूसरे शहर में या फिर किसी दूसरे देश में रहते हैं। We go to meet them in holidays. We go to meet them. हम उनसे मिलने के लिए जाते हैं in holidays, छुट्टियों में, और छुट्टियों में हम उनसे मिलने जाते हैं। They also come to meet us. वे हमसे मिलने आते हैं। भाई जैसे हम मिलने के लिए जाते हैं वैसे ही वो हमसे मिलने के लिए आते हैं। For such long journeys, we use following means of transport. For such long journey, और इस लंबी यात्रा के लिए we use following means of transport. हम नीचे दिए गए परिवहन है उसका उपयोग करते हैं। भाई जो लंबी यात्रा होती है उसके लिए किसका यूज किया जाता है, देखो क्या क्या रखा है, जैसे शिप यानी जो पानी का जहाज होता है उसका यूज करते हैं, ट्रेन का करते हैं, बस का करते हैं, और एरोप्लेन का करते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन है, व्हीकल्स हैं, ये लंबी यात्रा के साधन है। वी यूज एयरप्लेन्स टू गो टू फार ऑफ प्लेसेस और द फॉरेन कंट्रीज। वी यूज एरोप्लेन्स, हम जो एरोप्लेन्स होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, उनका उपयोग करते हैं टू फार ऑफ प्लेसेस, बहुत दूर की जगहों के लिए, और दी फॉरेन कंट्रीज, और विदेशों के लिए यानी विदेश जाने के लिए, और बहुत दूर की जो जगह होती है वहां जाने के लिए हम हवाई जहाज का उपयोग करते हैं।
एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, वो सबसे तेज यातायात का साधन है। या सबसे तेज यातायात का साधन कौन सा भाई? हवाई जहाज है। इसके द्वारा हम किसी भी जगह बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। तो जो हवाई जहाज है वो सबसे तेज यातायात का साधन है। इसके द्वारा हम बहुत जल्दी किसी भी जगह पे पहुंच सकते हैं। पीपुल लिव इन द कोस्टल रीजन्स ट्रेवल बाय बोट्स, स्टीमर्स और शिप्स। और जो लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, तटीय क्षेत्र का मतलब है समुद्री क्षेत्रों के आसपास, तो ट्रेवल बाय बोट्स, वे यात्रा करते हैं बोट्स या नावों में, स्टीमर्स होते हैं उनमें, और शिप्स यानी जो पानी के जहाज होते हैं उनका उपयोग करते हैं यात्रा करने के लिए। यानी जो लोग तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास रहते हैं वो यात्रा करने के लिए बोट्स, स्टीमर्स और जो शिप है उनका उपयोग करते हैं। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट ओनली यूज टू ट्रेवल बट ऑल्सो टू कैरी गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट ओनली यूज टू ट्रेवल, भाई यातायात का मतलब न केवल यात्रा करना है, यातायात का जो साधन है उनका मतलब न केवल यात्रा करना है, बल्कि ऑल्सो टू कैरी गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बल्कि जो सामान है, वस्तुएं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी ले जाना है। भाई यातायात का मतलब ये केवल यात्रा करना ही नहीं है, जो वस्तुएं होती है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी है। सम व्हीकल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स ओनली, कुछ साधनों का उपयोग केवल वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। ए ब्लॉक कार्ट और ट्रैक्टर ट्रॉली इज यूज टू कैरी गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। ए ब्लॉक कार्ट, एक बैलगाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, वहां पे आपने देखा होगा कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली है और जो बैलगाड़ी है उसका उपयोग टू कैरी गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटी दूरी के लिए सामान को लाने ले जाने के लिए किया जाता है। जो बैलगाड़ी है और ट्रैक्टर ट्रॉली है उसका उपयोग छोटी दूरी के लिए सामान को लाने और ले जाने के लिए करते हैं। टू सेंड गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस, गुड्स ट्रेन्स एंड ट्रक्स आर यूज टू सेंड गुड्स टू फार ऑफ प्लेसेस, दूर जगहों के लिए सामान भेजने के लिए, यानी दूर, बहुत दूर जो जगह है वहां पे सामान भेजने के लिए गुड्स ट्रेन्स यानी जो वस्तुओं वाली जो ट्रेनें होती हैं उनका, एंड ट्रक्स और जो ट्रक होते हैं आर यूज, ट्रकों का उपयोग किया जाता है बहुत दूर जगह सामान भेजने के लिए, जो मालगाड़ियां जिनको कहते हैं हम उनका, और जो ट्रक है उनका उपयोग किया जाता है। द एरोप्लेन्स एंड शिप्स आर यूज टू सेंड गुड्स टू अदर कंट्रीज, और हवाई जहाजों का उपयोग और जो पानी के जहाज है उनका उपयोग दूसरे देशों में वस्तुओं को भेजने के लिए करते हैं। All the means of transport cannot be used at all the places. All the means of transport cannot be used at all the places. यानी all the means of transport, सभी प्रकार के यातायात का cannot be used, उपयोग नहीं होता है at all the places, सभी जगहों पर, सभी प्रकार के यातायात का सभी जगह उपयोग नहीं होता है। Some means of transport are used only on land. कुछ जो यातायात है वो केवल पृथ्वी पर, on land, यानी मैदान पे होता है। सच एज ट्रेन, भाई जैसे कि ट्रेन है, बस है, ट्रक है, कार, स्कूटर, बाइसिकल इत्यादि, ये जो है इनको हमें ओनली मैदान पर ही चला सकते हैं। दीज आर नोन एज मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, और ये जो है यातायात ये लैंड ट्रांसपोर्ट कहलाता है, जिसको हम थल परिवहन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, थल परिवहन। Some means of transport can move only on the surface of water, और कुछ यातायात surface of water, पानी की सतह के ऊपर चलाया जाता है, जिसको हम कहते हैं जल परिवहन, जिसको क्या बोलते हैं हम, जल परिवहन। Such as boat, जैसे कि देखो boat, steamer और ship इत्यादि, these are known as means of water transport. Some means of transport are used for traveling at a very fast speed, such as aeroplanes and helicopters. And these are known as means of water transport. और इसको क्या कहते हैं? इसका क्या मतलब है? जल परिवहन. Some means of transport are used for traveling. अब कुछ यातायातों का उपयोग used for traveling, यात्रा के लिए करते हैं, at a very fast speed, बहुत तेज गति से, और कुछ यातायात के साधनों का उपयोग बहुत तेज गति से यात्रा करने के लिए करते हैं।
अब उनमें क्या क्या आते हैं देखो, एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर। जो एरोप्लेन होते हैं और जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनका उपयोग बहुत तेज गति से यात्रा करने के लिए किया जाता है। अगर आपको बहुत तेज गति से यात्रा करनी है तो आप एरोप्लेन और जो हेलीकॉप्टर्स हैं इनका यूज कर सकते हैं। दीज आर नोन एज मींस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, और इसे एयर ट्रांसपोर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसे वायु परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको? वायु परिवहन। एट सम प्लेसेस ऑल द थ्री मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल, बट एट सम अदर्स ओनली वन और टू मींस आर अवेलेबल। एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर ऑल द थ्री मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल, तीनों प्रकार का जो यातायात है वो उपलब्ध होता है। कुछ जगह तो ऐसी है जहां पे आपको तीनों प्रकार का यातायात उपलब्ध हो जाएगा। बट एट सम अदर्स ओनली वन और टू मीन्स आर अवेलेबल, लेकिन कुछ जगहों पर आपको केवल एक प्रकार का या दो प्रकार का यातायात ही मिलेगा। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूजफुल इन मैनी वेज, और जो यातायात है वो कई प्रकार से क्या है, उपयोगी है। दे हैव टर्न दिस वर्ड इन टू ए स्मॉल प्लेस जस्ट लाइक ए टाउन। दे हैव टर्न, और उन्होंने बदल दिया है दिस वर्ल्ड, इस संसार को, into a small place, एक छोटी जगह के रूप में, just like a town, एक कस्बे के रूप में। और इन्होंने जो यातायात के साधन है इन्होंने पूरे इसको एक छोटी जगह के रूप में क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो ये आपका means of transport जो chapter है इसको आज हमने क्या कर लिया है, read कर लिया है। और next class में हम इसके question answer, fill in the blanks, tick the correct जो भी है वो completely note करेंगे। तो ये class second और class third दोनों का chapter एक ही है। क्लास सेकंड में भी यही चैप्टर है और क्लास थर्ड में भी यही चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि भी क्लास सेकंड का अलग है, क्लास थर्ड का अलग है, दोनों का सेम चैप्टर है। इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, कंबाइंड ही पढ़ा दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।